25 साल से ज्यादा हो गया है। एक दिन क्या हुआ, मेरा छोटा भाई को बुखार हुआ था, बहुत तेज बुखार हुआ था। तब हॉस्पिटल लेके नहीं गए थे, जो पापा लाके उसको एक क्लोरोक्विन का टैबलेट दे दी। देने के बाद वो उसको दूध पिलाए। वो बुखार के टाइम में दूध पीना मतलब बहुत मुश्किल होता है, वो अंदर जाता नहीं, पीने के लिए मूड नहीं होता है। उसको ज़बरदस्ती पिला दी, वो मना कर रहा था, रो रहा था, उसको पिला दिए। पिलाने के बाद वो क्या किया, वोमिट कर लिया। मेरे पापा गुस्सा आके बोले मेडिसिन वेस्ट हो गया, वो फीवर कम नहीं होगा, ऐसे बोल के फिर क्या कि दूसरी बार और एक टैबलेट खिला दिया। खिलाने के बाद वो ऐसे चुपचाप सो गया। उस दिन ही हमारे घर में देसी चिकन बना था। पहले ज़माने लोग यही सोचते थे, मतलब देसी चिकन खाएंगे, गरम गरम खाएंगे तो थोड़ा ठंडा वगैरह कम हो जाता है, बुखार भी कम हो जाता है, ऐसे सोच के बनाए थे। मेरा छोटा भाई का जो वो खाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, और खाने में उसको मतलब ज़्यादा शौक था, नॉनवेज उसको ज़्यादा पसंद थी। वो हमारे घर में चिकन बना, वो लास्ट मोमेंट में हो गया था। वो 5 मिनट के बाद वो निकालने वाले थे, सब लोग खाने वाले थे, मैं टेबल से पानी निकाल रही थी। हमारा पुराने जमाने का घर था, मतलब चारों तरफ रूम घर के बीचों बीच टेबल था, खुला आसमान दिख रहा था, जैसे पुराने जमाने का घर होता है ऐसे ही। मैं ऐसे पानी निकाल रही थी, मैंने देखा बेडरूम में तो उसका पैर जो है ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है। मुझे कुछ अजीब लगा, मैंने मम्मी को बताई, वो उसका पैर ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। मम्मी आके देखी, बोले नहीं कुछ नहीं, मेडिसिन खाया था, शायद उसको तबीयत थोड़ा अच्छा हो रहा है और खाने का खुशबू भी आ रहा है, वो खाने के लिए शायद वो खुश है इसलिए वैसे पैर हिला रहे, ऐसे बोल के वो फिर चले गई काम पे लग गई। मैं ऐसे पानी निकल रही थी, उनको कंटिन्यू देख रही थी। मैंने देखा वो जो धीरे धीरे करा था ज़्यादा ज़्यादा करने लगा, जैसे पॉइजन खाने के बाद ओवरडोज हो जाता है, लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। उसका बॉडी फूल क्या नीचे से ऊपर तक ऐसे से उपने पड़ने लगा। मैंने जोर से चिल्लाई, जल्दी आ जाओ उसको क्या हो गया है। मेरे घर वाले सब दौड़ के आ गए उसके पास, आके देखे तो वो कंडीशन सीरियस हो गया था। सब लोग, मेरी मम्मी जोर से रोने लगी, सब लोग रोने लगे। मेरी मम्मी बोले जल्दी से जाओ, एक गाड़ी लेके आओ, उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, नहीं तो वो कुछ भी हो सकता है। फिर पापा बोले किधर जाएंगे, किससे मांगेंगे, कोई गाड़ी देगा नहीं देगा। मेरी मम्मी बोले जाओ किसी के पैर पकड़ो, बोलो हम गाड़ी में तेल डाल देंगे, खाने के लिए होटल में देंगे, बस कैसे भी करके गाड़ी लेके आ जाओ। पापा बोले हम किधर जाएंगे, ऐसे बोले। मेरी मम्मी एक भैया का नाम लिए, बोले उनके पास वो बाइक था, हमारे पास गाड़ी नहीं था तब, बोले उनके पास जाओ, वो शायद मदद कर सकता है। मेरे पापा गए, तब क्या होता था, सुबह हमारे मार्केट से एक गाड़ी निकलता था, दिन भर गाड़ी नहीं जाता था, तब वो टाइम बुक पार हो चुका था, तब गाड़ी मतलब बहुत रेयर था। जाने के बाद मेरे पापा बुलाए, उनके घर से बाहर से बुलाए उनका नाम लेके। उनका जो मिसेस थी वो बाहर आ गई, बोले क्या हुआ, बोले ऐसे हमारा बच्चा का तबीयत खराब है, तुम्हारे हस्बैंड को थोड़ा बुलाओ, हम थोड़ा हॉस्पिटल लेके जाएंगे। वो बोले वो खाना खा रहे। मेरे पापा बोले ठीक है, उनको बोलो थोड़ा जल्दी खाना खा ले, मेरे बेटा का सीरियस मतलब कंडीशन बहुत सीरियस है। फिर वो हम तो ऐसे नहीं बोल सकते, मतलब खाना छोड़ के आ जाओ, हम मतलब दिल में तो वही था कि हमारे लिए हमारा बच्चा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन हम तो दूसरों को ऐसे नहीं बोल सकते। वो इंतज़ार कर रहे थे इधर उधर, ऐसे घूम रहे थे उनके घर के आगे से। तो देख के वो भैया इतने भी लेट नहीं किया, वो खा के जल्दी आ गए, बोले हम खाना छोड़ के आ गए। चलो ठीक है, वो आने के बाद वो सारे गाँव वाले इकट्ठा हो गए, हमारा रोना देखे गाँव वाले इकट्ठा हो गए। वो जो उसका सांस है ना धीमे हो रहा था, वो आंखें उसको बंद हो गया था। सारे गांव वाले आके, जो आप सुनना नहीं पसंद करते ना, आपके पीछे भी कोई बोले वही बात वो लोग हमारे आगे बोल रहे थे, मतलब वो मर चुका है, उसका सांसें रुक चुका है, वो जिंदा नहीं बचेगा, ऐसे फालतू में वो लेकर जा रहे, वो नहीं है, वो दुनिया में नहीं, वो चला गया। हम किसी की बात नहीं सुन रहे थे, बस रो रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। मेरी मम्मी जो मतलब वो हाथ ऊपर करके ऐसे रो रहे थे, हमको मालूम नहीं था, मतलब बुखार होने से किसका जान जा सकता है, कोई सीरियस हो सकता है, हमें कोई आइडिया नहीं था, दुनिया के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी। हमने दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा बच्चे जो है ना माँ बाप के ऊपर करते हैं, जो माँ खुद के ऊपर भरोसा नहीं करता ना, तो बच्चे दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। तब तक मुझे सीरियस नहीं लग रहा था, मतलब हम सोच रहे जैसे बुखार हुआ है वो ठीक हो जाएगा। जब मैंने देखा मेरे मम्मी खुद के ऊपर भरोसा छोड़ के हाथ ऊपर करके मतलब जोर से रो रही थी, भगवान कैसे भी करके मेरे बच्चा को बचा लो, चाहे मेरे जान ले लो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरे दुनिया बिगड़ जाएगा,
ये संवार लो मेरी जिंदगी को, मेरे बच्चा को बचा लो, ऐसे करके बोल रही थी। तो मैं ज्यादा नर्वस हो गई। तो मुझे लगा सच में कुछ भी हो सकता है उसका जान भी जा सकता है। तो मुझे लगा इतना सीरियस है, क्योंकि मैंने अपनी माँ के आंखों में जो डर है ना वही मैंने देख लिया था। उसके बाद वो भैया मेरे पापा मेरा छोटा भाई को गाड़ी की बाइक की पीछे पीछे बिठा के लेके गए। घर से हॉस्पिटल 8 किलोमीटर दूरी था। तब हमारे पास मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था। वो लेके गए, हमें कोई आइडिया नहीं था उसको क्या हुआ क्या नहीं, सीरियस हुआ, कंडीशन अच्छा हुआ, सुधरा, बिगड़ा, क्या हुआ हमें कुछ मालूम। फिर क्या हुआ हमको रात तक कुछ खबर नहीं मिला। मेरे दादी मेरे साथ हम उनके घर को जा रहे थे बार बार, कुछ खबर आया क्या, क्योंकि उनके मिसेस के पास मोबाइल था। आपके पास कोई खबर आएगा? बोले नहीं आया। हम रिक्वेस्ट किए थोड़ा फ़ोन कीजिए, वो शायद सुधरा हुआ क्या हुआ, हमको बहुत नर्वस फील हो रहे। वो उनके हस्बैंड को फ़ोन किया, वो बोले अभी ठीक है, साइलेंट चल रहा है। वो उनके घर वाले को बोलो तो नर्वस होने की कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर बोले वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम क्या हो गया, हम ऐसे हम आप लोग को बता नहीं सकती वो रात हमारे लिए कैसे, हम मतलब कैसे काटे, क्या खाए थे क्या नहीं याद नहीं। वो रात भर भगवान की जो घर है ना उसके सामने हम इसे रो रो के रात निकाल दिए। सुबह हुआ उसको थोड़ा थोड़ा मतलब होश आया, वो आँखें खुलने लगा। फिर पापा उसको बोले मम्मी चाहिए क्या, वो इशारा करके हाँ बोला। तो फिर वो मेरे पापा वो भैया से बोला प्लीज ये और एक बार हेल्प कर दो, उसका मम्मी को लेके आ जाओ, वो उसको देखे थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगा। वो भैया को मतलब कुटी कुटी सलाम है, नमस्ते करना चाहती हूँ। वो फिर से आ गए, आने के बाद मेरी मम्मी को लेके गए। मेरी मम्मी ऐसे ही रो रही थी, वो ऐसे ही कपड़े में चली गई। तो कैसा है? वो ठीक है, तुमको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, वो बच्चा आपको ढूंढ रहा है, आपको देखेगा वो जल्दी ठीक हो जाएगा। होने के बाद मेरी मम्मी को लेके गए। हम ऐसे दिन भर ऐसे थे, जाने के बाद हमको भी कोई मतलब कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था, मम्मी पापा भाई किसी से कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था, हम ऐसे रो रहे थे। शाम के टाइम में रात हो गया था, वो वापस आ गई, ठीक हो गया था हमारा भाई। हमने देखा हम ऐसे घर को घर के अंदर जा रहे थे बाहर आते, घर के अंदर जा रहे थे बाहर आते, ऐसे हम ऐसे उसका इंतजार कर रहे थे। हमको किसी का सा लग रहा था, हम बस हमारा हालत हो गया था। हमने देखा वो पैदल आ रहे, मेरा मेरा छोटा भाई, मम्मी पापा देख के इतना खुश हम हुए, उस दिन इतना खुश हुए थे उसको पैदल चल के जब आ रहा था। अभी अगर हमको भगवान करोड़पति बना देंगे ना तो उतना हम खुश नहीं हो पाएंगे सच में। हमारे माँ बाप यही सिखाया है, दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा जो है ना तो भगवान के ऊपर करना चाहिए। जितना दुख है तकलीफ है भगवान को बोलेंगे ना वही सॉल्व करने वाला वही है, और दूसरा कोई नहीं। तब बचपन से हम भगवान को ज़्यादा मानते हैं, 100% हम अपना फेथ रखते हैं। जब भी कोई बड़े बड़े मुसीबत आते हैं वही हमको बचाते हैं, पूरा भरोसा है आगे भी बचाएंगे। और ज़िंदगी में कुछ चाहिए नहीं, बस भगवान का हाथ सर पर रहेगा तो और फिर क्या चाहिए।